बैल बजाओ। चल 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 चल। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस
बावत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाज जिंदी सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कंफर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया, सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा
जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाज जिंदी सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, लेकिन मुल्कों की सरहद धर्म प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक
मंजी हुई डायरेक्टर है डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाज जिंदी सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के ने रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूलवश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे से ही
सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमराही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सबसे ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के ने रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से
भूल वश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमराही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सबसे ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है।
पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ, ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने
तब कमाई के ने रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और ऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं।
तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए है। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और
कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र वायजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्रों भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया।
क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए है। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है
या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्रों भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी।
उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा।
उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कंफर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया, सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट।
क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह? जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कंफर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और ऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी।
करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कंफर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया, सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं, तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस
बावत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाज जिंदी सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कंफर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया, सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूलवश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा
जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाज जिंदी सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, लेकिन मुल्कों की
सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम में उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाज जिंदी सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूलवश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे से ही
सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमराही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सबसे ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से
भूल वश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमराही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सबसे ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है।
पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ, ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कहा देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने
तब कमाल के ने रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम में उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं, तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया, सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी या ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं।
तो इस फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक था टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एक था टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन पुत्र भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और
कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र वायजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म की कहानी रिव्यू अजाने कह देखे इसे फ्री में। डायरेक्टर कबीर खान 2012 में सलमान खान के साथ एक टाइगर लेकर आए थे। फिल्म ने तब कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। वही करीब 3 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से बजरंगी भाईजान के रूप में आए हैं। फिल्म में सलमान हो तो वो ऐसे ही खास हो जाती है, लेकिन इस फिल्म के जरिए सलमान ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है, इसलिए फिल्म पर उम्मीदें दोगुनी हो रही है। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचक गाने, जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, यानी कुल मिलाकर फुल टू एंटरटेनमेंट। और इन सब से बढ़कर सलमान खान खुद जो अपने फैंस के लिए किसी भी कहानी और ब्लॉकबस्टर से ऊपर है। मुन्नी 6 साल की बच्ची है जो कुरुक्षेत्र में हो रहे एक आयोजन के दौरान पाकिस्तान से भूल बश भारत आ जाती है। मुन्नी बोल नहीं सकती, ऐसे में वो ना लोगों को समझा पाती है और ना लोग उसे समझ पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी से होती है। पवन एक सीधा साधा सच्चा और दिल का नेक बंदा है। मुन्नी से मुलाकात के बाद पवन उसे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाना पवन का मकसद बन जाता है और यही से असल फिल्म की शुरुआत होती है। कहानी में पवन की लव लाइफ भी है। रसिका दिल्ली में टीचर है। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमरा ही बनते हैं। बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पवन बच्ची को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन मुल्कों की सरहद, धर्म, प्यार और इन सब से ऊपर इंसानी भावनाएं फिल्म में मनोरंजन की पूट भी जोड़ती है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। कबीर खान एक मंझे हुए डायरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद कबूल, एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और एकता टाइगर जैसी फिल्म ने उन्हें और मजबूत बनाया है। बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम ने उन्हें मजबूत पकड़ बनाई और फिल्म कहीं भी भटकती हुई नहीं पड़ती है। और स्क्रीन प्ले कमाल का है। लंबे अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दमदार मनोरंजन और संवाद से ज्यादा जज्बातों से भरी हुई है। कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। एक पल को वो आपको सचमुच का पाकिस्तान दिखा देते हैं तो अगले ही पल वादियों की खूबसूरती आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। बतौर दर्शक आप हर सीन और लोकेशन में खो जाना चाहते हैं। ये फिल्म सलमान खान की है और ये बात हर फ्रेम में नजर आती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनने वाली है। सलमान एक्टर से कहीं ज्यादा धांसू एंटरटेनर और फिल्म में इस बवत उन्होंने उम्दा काम किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वही किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक पत्रकार की भूमिका में अपना 100% नवाज की संवाद अदायगी आपके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनाए रखती है। सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म होने के कारण दोनों एक्टर्स के बीच बढ़िया और कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है और कोऑर्डिनेशन भी। करीना कपूर खान अपने किरदार में बहुत ही प्यारी लगी है। अब बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। सलमान की अगली फिल्म बजरंगी भाईजान 2 को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या अब करीना की जगह पूजा हेगड़े लेगी जगह, जाने बड़ा खुलासा। सलमान खान की बजरंगी भाईजान का सीक्वल कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था। बताया गया कि इस फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अब खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान 2 में करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को साइन ले लिया गया है। एक इंटरव्यू में राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की बात कन्फर्म की थी। उन्होंने बताया था कि सीक्वल के आइडिया के साथ सलमान को अप्रोच किया गया। सलमान को आइडिया पसंद आया है, उसके बाद से ही फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन पुत्र भाईजान में पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूजा को करीना वाले रोल में ही लिया गया है या वो कोई नया किरदार निभाएंगी। इस कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने भी ऑफिशियली अब तक कुछ नहीं बताया है। सलमान की पिछली रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े ही देखने को मिली, मगर अचानक से पवन मित्रों भाईजान के बारे में आई इस अपडेट के बारे में कुछ समझ नहीं आया।
क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू है। इस सब के बीच बजरंगी भाईजान 2 में पूजा हेगड़े की कास्टिंग की खबर का कुछ सेंस नहीं बन रहा। जिस दिन ये खबर आई उसी दिन करीना कपूर की नई फिल्म द क्रू की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू और कृति सैनन के साथ करीना कपूर खान काम कर रही है। रिया कपूर और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजेश कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, पवन पुत्र भाईजान जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल सलमान की हालिया रिलीज फिल्म टाइगर 3 पर बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिली है। वही विलन की भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।